पहला ऑर्डर बजा है मेरे पास जो कि 150 रुपए का। भाई ये तो अजीब ही आ रहा है मेरे पास, ये ऑर्डर तो अलग ही है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और पिछले महीने स्विगी में एक बार ऑफर आया था 105 रुपए अलग से इंसेंटिव पर ऑर्डर पे, तो भाई आज वापस वही आ गया। ये देखिए ये जो ऑफर आ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक महीने बाद अगर आप लगातार काम नहीं करते हो ना तब जाके ये ऑफर देता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो भी पार्टनर्स काम कर रहे होंगे उनसे पूछूंगा क्या उनको भी दे रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही दे रहा है, तो जहाँ तक उनको भी दे रहा होगा। और एक चीज़ है, स्विगी में पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आप लॉगिन करो, बट अब इसमें देख रहे हो नीचे, मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, तो ये अभी 7:25 हो गया। हालांकि मैं 7 बजे से चेक कर रहा था कि क्या ये ऑफर आया कि नहीं, क्योंकि कल मेरे को ये अपडेट दिया था फ्लैट 105 रुपये एक्स्ट्रा पर ऑर्डर जो कि मेरे एरिया में, बट अभी देख सकते हो। और एक और नया क्या है कि होम अर्निंग एंड माई शिफ्ट, तो जो माई शिफ्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों ये जस्ट अभी आया है, ये लाइक गिग, तो ये गिग की तरह पहले सेम गिगी का है। तो अभी 7 से लेकर 11 और 11 से 2 का मेरा गिग है दोस्तों। स्विगी का अपना ड्रेस जो है ये लेके चलेंगे, बाहर पहन लेंगे, ठीक है। सेल्फी वगैरह चाहिए होगा, इसको बंद करो पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग यार। और पहला ऑर्डर कितनी देर में आते हैं लेट्स सी, चेक करते हैं। और एक नया अपडेट ये है कि देखिए आप क्लिक करके ये देखो नियर बाय का जो ऑर्डर, देखिए ये ऑर्डर दिखा रहा है नियर बाय कि सब्बे का है, कोल्ड रॉक्स कैफे है जो कि 10 मिनट में है। इसमें किलोमीटर भी आ रहा है बगल में देख सकते हो, 2.1 एंड 1.53। अब ये दिखा देगा कि कितनी दूरी पे, 1.5 किलोमीटर पे रेस्टोरेंट है। चलिए वैसे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में पहला हमारा ऑर्डर जो है बसता है। A few moments later. भाई इस जगह पे इक्का दुक्का राइडर रहते हैं, अभी आके देखा हूँ तो ये देखो भरे पड़े सारे स्विगी वाले लग रहे हैं, मतलब ऑफर के चलते बंदे, इसीलिए ऑर्डर नहीं आया भाई आधे घंटे से, ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गए। भाई पहला ऑर्डर बजा है मेरे पास जो कि 150 रुपए का है, देख लो भाई है, जो भी 10-5 ऑर्डर मिल जाए बहुत है। भाई ये तो ऑनलाइन बेकर्स रॉयल एवेन्यू नियर यहीं आस पास से ये देख लेते हैं। क्या नाम है शॉप का, नाम क्या है? ऑनलाइन केक जस्ट सामने दीवार पे, ये है ऑनलाइन केक, फ्रिज्ड पिकअप लोकेशन। भैया यो, अबे यार ये सेल्फी मांगने लगा बीच में, कर लियो बात। अब भाई सेल्फी मांग रहा है बीच में, दे दू क्या ऐसे ही? ड्रेस देना पड़ेगा, पकड़ना भैया एक मिनट। बारह 15 मिनट हो गए भाई, अभी तक तो रेडी नहीं हुआ, देखते कितनी देर में रेडी होगा। दे दो भैया दे दो, पिक नहीं करो यार, मैं पिक आपका ऑर्डर रेडी नहीं हुआ, गलती से रेडी मार दिया उन्होंने, गलती से रेडी कर दिया भाई यार। पता 17 मिनट तो वैसे ही रेडी हो गया, बताओ गलती से रेडी मार कर दिया। कोई बात नहीं, तुम रुक जाइए ठंडा, कोई बात नहीं भैया। देखो 8 ऐसा है ना, कस्टमर पूछ लिया तो उसको दिखाऊंगा ना, कस्टमर को आप बोलो, आप कंपनी को भी दिखा दूंगा। 8:14 पे भैया इन्होंने गलती से कर दिया रेडी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, ऐसे मत किया करो यार। दे दो भैया दे दो, ठीक है भैया। यार देखो कर दिया है पिकअप इन्होंने, भाई गलत कर दिया था। आइटम क्या है, हो गया, चलो जी। भाई इन्होंने ना गलत मार्क कर दिया था रेडी, और उसके बाद भी 10-12 मिनट लगा दिया। अब ये बताओ ये डिले मेरे ऊपर जाएगा, रेस्टोरेंट वाले ये चीज़ नहीं समझते ना राइडर के बारे में यार, फटती राइडर की है। 13 किलोमीटर 30 मिनट दिखा रहा है, पहला ही ऑर्डर जो है वो पूरे पूरे 40 मिनट बाद मिला है मेरे को। अब क्या कमाओगे आप बताओ इस हिसाब से, अभी पूरा 30 मिनट दिखा रहा है, 13 किलोमीटर है, मतलब ट्रैफिक होने वाला है जबरदस्त। बैटरी में चलाऊं लेके 65 किलोमीटर का रेंज। फ्री में सबसे बुरी चीज यही लगती है कि देखिए रेस्टोरेंट वाले ने एक तो पहले डिले कर दिया था 18 या 20 मिनट का, चलो कोई बात नहीं वो डिले हो रहा है वहाँ पे आ रहा है, शायद उसके कुछ पैसे मिलते हैं कि नहीं स्विगी में, वो लास्ट में दिखा दूंगा उस डिले का।
है ना, जहां तक है जैसे जोमेटो में डिले का कोई नहीं मिलता, उल्टा पेनल्टी आपको लग जाती है। दूसरी चीज, आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सको, है ना। जैसे हम बाइक टैक्सी चलाते हैं तो उसमें हमारे पास राइट्स होता है कि यार कस्टमर जब नहीं आ रहा है, हमने कुछ देर वेट किया और फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। क्या काम करता है? बीन बजाता है। इसमें सांप वाप तो नहीं है ना? तो भाई की बग्गी आ रही है। अच्छा आ रही है। अच्छा अच्छा चल भाई, सांप बाप छोटू ने लिफ्ट मांगा मेरे से, उस गेट से तो एंट्री हुई नहीं, वापस इस गेट पे आना पड़ा। पूरा ग्रेटर नोएडा गौर सिटी से सीधा आते हैं ना, बिल्कुल सीधा 6.5-7 किलोमीटर पे। अच्छा, ये केक का? हाँ काफी दूर होगा, केक का ऑर्डर है। बाकी ये ऑर्डर दे दू फिर बताता हूँ। थैंक यू। जो है अब एंड हुई है, 150 रुपये इसकी टोटल अर्निंग है। देखिए 20 रुपये टिप भी दे दिया भाई कस्टमर ने और 105 का सर्च। तो अब आप देखो इसमें मुझे मिला कितना, सिर्फ 45 रुपये ऑर्डर अर्निंग है भाई। चलो चलते हैं। तो बिल्कुल लास्ट में गया था मैं इसको डिलीवर करने के लिए, ऐसे जाऊँ ना, 25वें फ्लोर पे गया डिलीवर करने, बताओ। हाँ ऊपर जाने में थोड़ा लिफ्ट में टाइम लगता है, कोई रोक दिया कोई टोक दिया, बट नीचे आने में बिल्कुल सीधा नीचे आ गया। तो चलिए भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। तो ये ना ग्रेटर नोएडा का गांव है वेदपुरा, बहुत से भाई जानते हैं बहुत से नहीं जानते हैं। और यहाँ से जो गौर सिटी है वो लगभग 7-7.5 किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों ये एक तरीके का लॉलीपॉप हो गया 105 रुपये का इंसेंटिव बोल के। पूछो क्यों? क्योंकि यार देखो अगर भाई 13 किलोमीटर कोई डिलीवरी वाला बंदा आ रहा है तो एटलीस्ट उसको कितना मिलना चाहिए, 120-130 रुपये तो नॉर्मली भी मिलना चाहिए। तो क्या 25 रुपये में आप इतनी दूर का डिलीवरी करा रहे हो, है ना? क्योंकि भाई 20 रुपये का तो टिप ही है 150 रुपये में और 105 का तो सर्ज है। वही वाली बात है भाई, क्या ही कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो मेरा जोन है ना यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर होगा पता नहीं, फिर भी अभी तक मैं इतने 12 किलोमीटर आ गया। लेकिन मेरा ऐप जो है ना स्विगी का, वो देख सकते हो आप, आउट ऑफ जोन बता रहा है मेरे को कि मैं अभी भी आउट ऑफ जोन हूँ। यह परथला फ्लाईओवर आ गया, परथला ब्रिज आप देख सकते हो। तो भाई अभी तक कोई भी राइड जो बजी नहीं है और आउट ऑफ जोन ही बता रहा है, पता नहीं क्यों। जबकि जोमेटो में सब जो 50 में काम करते हैं ना, नोएडा सेक्टर 50 पे सेक्टर 63, ये सब जोन में ही आता है। पर ये स्विगी पता नहीं यार आउट ऑफ जोन क्यों बता रहा है अब तक, जबकि 122 में यहाँ, ये जस्ट मैं इसके लेफ्ट लूंगा इस फ्लाईओवर के, तो यहाँ से दिखा देगा 122, ये 122 लग जाता है। अब ये एक ऑप्शन आता है इसमें, आप देख सकते हैं एक्सप्लोर योर जोन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो भाई ये हमारे जोन में जो नियर बाय रेस्टोरेंट है ना वो आपको दिखा देगा। तो ये देख सकते हो 10 मिनट में दिखा रहा है ऑर्डर कि बिग पंजाबी बर्गर। तो यहीं चलते हैं भाई, 900 मीटर दिखा रहा था, 700 मीटर। तो ये वापस, ओ बज गया, कहाँ हो, 130 रुपये का बजा है भाई साहब 2.2 किलोमीटर। ये ऑर्डर है बढ़िया, ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं? इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ का है, अभी ड्रॉप लिख के नहीं आएगा। प्योर वेज रेस्टोरेंट परथला खंजर, दूसरा ऑर्डर दोस्तों मुझे दिखा 2.5 कुछ किलोमीटर रहा था, बट ये 700 मीटर पे ही है डिलीवरी। रिवर्ड मार्क कर देते हैं ताकि एक ऑर्डर और आ जाए दूसरा कोई। आर यू श्योर डिलीवर्ड द ऑर्डर? उसने कहा यस कंफर्म। अब आ गए, कितना रुपए मिल रहा है? लो भैया, थैंक यू भैया। तो ये देखो जी 130 रुपये मिल गए मेरे को इसके, 105 सर्ज है, 25 रुपये ऑर्डर का है। क्या आ रहा है यार भाई, ये तो अजीब ही आ रहा है मेरे पास, ये ऑर्डर तो अलग ही है कुछ, इंस्टेंट पिकअप। ओ भाई ये है क्या? लो जी इंस्टेंट पिकअप कर लेते हैं। 130 माइनस 130 क्यों कह रहा था? ये दो ऑर्डर है क्या इसमें? ये तो अलग ही दिख रहा है कुछ, इंस्टामार्ट का है। चलो पिक करते हैं। स्विगी इंश्योर द ऑर्डर आर साइनिंग इन द ऑर्डर, ऑर्डर इज रेडी फॉर पिकअप। फर्स्ट माइल तो देख लिया, थर्ड माइल 0.99 भाई, बगल में 1 किलोमीटर से भी कम।
इंस्टामार्ट का यहाँ नहीं है। दे देना भैया हमें भी 20 नंबर में दो तो भाई आइसक्रीम है इसमें। तो ये जो ऑर्डर है भाई वो 130 का ही है, बट एक्चुअल में है क्या, ये जो बैग है अगर ये नहीं दूंगा ना तो -130 रुपए हो जाएगा मेरा, इसलिए शायद होगा ये आपका है सर। देखो ठंडा रखने के लिए आइस कप है ना, ये क्यूब आइस है। बाय। लो भाई एक और बज गया 130। कहाँ से बजा ये, वहीं से बज रहा है लग रहा है। दिया फिर नया जो ऑर्डर था वो यहीं से था, वापस बैग देने आना पड़ेगा। करा दिया एंट्री। हाँ सर करा दिया एंट्री, मगर सर गाड़ी नहीं जाएगी। गाड़ी अलाउ नहीं है। गाड़ी अलाउ नहीं है? नहीं। अच्छा जी, ये अच्छा लफड़ा यार। एक तो लोकेशन उस गेट की दिखा रही थी भाई, यहाँ आए पूछ पाछ के यहाँ से होगी एंट्री, अब पैदल जाओ। कस्टमर को आए ना तब पता लगे। हेलो हेलो सर, स्विगी से बोल रहा हूँ। स्कूटी सर गार्ड आने नहीं देते क्या अंदर? गार्ड से बात कर लीजिए प्लीज। वो ओला इलेक्ट्रिक है क्या ना, उसका सीट का थोड़ा दिक्कत है, सीट जो खुल जाता है कहीं कुछ चोरी हो जाए इसलिए। यार एक बार बोल तो दीजिए, लीजिए बात कर लीजिए गार्ड साहब, बात करना। बोलिए बात करो। हाँ सर। हाँ सर सर गाड़ी नहीं अलाउ है। अरे वो मुझे पता है, वो ओला स्कूटर है यार, क्या होगा उससे बताओ ना आप। ठीक है वो गाड़ी यहीं खड़ी रहते, मैं देख लूंगा 5-10 मिनट के लिए। काम तो फिर अपने सामने खड़ी करवाना, साइड करवाना। हाँ हाँ ठीक, मैं यहाँ यहाँ लगा दे। नहीं वही तो गाड़ी है आपकी। हाँ हाँ ये है, मैं देख लूंगा यहीं से आपको, बेफिक्र रहिए। सीट उसका लॉक नहीं होता ना इसलिए मैं कर लूँगा। ठीक है कितना टाइम लगाएंगे आप भाई? ये जाऊँगा देना है मुझे। कौन सा कबड्डी कौन सा टावर जाना? आई एन। ठीक है सर, ओके ठीक मैं कर लूंगा सर। हाँ बस खो गया तो आपकी जिम्मेदारी। अरे मैं कर लूँ, आप खो के ही आए हो, हम उससे कम ना देख लो, आप चेक करा दे सब। इतना नहीं हरा लेते हैं, मतलब धनी हमने आप लोग के दे दिए तो कहते हैं कहाँ है ये है। तुम्हारे जो इस फ्लैट में रह रहा है उसकी भी औकात नहीं है कुछ कि किसी को बोल के अंदर कर दे स्कूटी गाड़ी। इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, इतनी स्कूटियाँ लगी, इतना जगह है, फिर भी अलाउ नहीं है। बताओ यार, 700-800 मीटर हम लोग आए, सांस फूल जाएगा तब आओ देने के लिए। ये भी 25 फ्लोर पे भाई। भाई एक और ऑर्डर आ गया, ये देखो बैग रखा है और हेलमेट भूल गया था, वापस आना पड़ा मेरे को। हाँ 7167 भाई मेरा देख रहे तेल निकल गया पसीना, क्योंकि ये जो लास्ट ऑर्डर इस सोसाइटी में था तो भाई पूरा अंदर पैदल जाना पड़ा, फिर हेलमेट भूल गया तो हेलमेट ले जाने वापस ले जाने के लिए अंदर जाना पड़ा। तो ये भी ठंडी चीज़ है, तो ठंडी चीज़ के लिए क्या है हमारे पास, ये बॉक्स है, इसमें आइस है, तो इसमें डाल लेते हैं इसको। ये देखो ये आइस तो इसमें दो ही था यार, पर ये अच्छी चीज़ है ना, कम से कम जो भी आइस है ठंडा तो रहेगा। चलो भाई देते हैं केप टाउन में। आ रहा हूँ आधे घंटे में, एक बैग है कस्टमर का दे के आ रहा हूँ। गूगल में लास्ट लोकेशन लगा के यही है ना, आगे भैया इंस्टामार्ट पे ये बैग देना है, तभी इसका ऑर्डर का जो है ना पैसा ऐड हो। लेना भैया स्कैन करना डिवाइस है क्या भैया? सूट वोट कर रहे हो गया भैया? कितने का लगा था ये कैमरा? 36,000 का। कितने? हो गया भैया? कितने का लगा भैया? 36,000 का। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक से अब तक का सबसे बेस्ट अर्निंग है मेरा ये। अगर मैं 15 घंटे काम कर लेता और ऐसा इंसेंटिव चलता तो भाई साहब मुझे लग रहा है कम से कम 4,4500 से ऊपर चले जाता, क्योंकि देखिए पहले ऑर्डर में मुझे 2 घंटा लगा, उसके बाद जो बाकी के देखे 4 घंटा 9 मिनट में मैंने 6 ऑर्डर डिलीवर किए हैं और
720 रुपए। अभी किलोमीटर कितना चला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो किलोमीटर है दोस्तों, ये बिल्कुल मेरा होम टू होम है, मतलब मैं घर से घर तक कितना चलाऊ वो है। ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर घूमा हूँ कहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल होम टू होम है। अर्निंग तो मैंने आपको दिखाई दी भाई, 6 ऑर्डर, 4 घंटे 9 मिनट लॉगिन टाइम, 6 ऑर्डर, 720 रुपए की अर्निंग है भाई, मजा आ गया। अभी जो है 25 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे, तो मैंने एक ऑर्डर इसी से मार दिया। लास्ट का जो था ना वो 50 रुपए का ऑर्डर था, तो वही है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो एक ऑर्डर मैंने, क्योंकि मेरा शिफ्ट 11 बजे ओवर हो गया था, बट एक ऑर्डर आ गया था, बगल का ही था, तो मैंने कब आ गया तो चलो कर देते हैं, ले लेते हैं। तो चलिए जी मैं आपको किलोमीटर दिखा देता हूँ। तो देखो भाई 42 किलोमीटर चला हूँ, 40% की जो है ना बैटरी कंज्यूम हुआ है, 40% बैटरी में 720 रुपए की अर्निंग। ये मैंने अभी तक का इस इलेक्ट्रिक से नहीं किया था, और ऐसे होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, काम करने का मज़ा भी आता है। और वैसे जब नहीं होता है ना यार, क्योंकि 4-4 घंटे में फूड में तो बंदे 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।